देखिए देखिए। हे गाइस, तो एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो मचान बनाया था ना, उसमें कितना सारा मेहनत किया था, पौधे लाए थे, पौधे लगाए थे, पौधे की सिंचाई निराई, उसमें दवा खाद ये सब डालने के बाद फाइनली आज उसमें लौकी लग गए हैं, करेले लग गए हैं, और फूल जो लगाया था उसमें भी फूल आ गए हैं इतने बड़े बड़े। तो आज सब कुछ आपको दिखाएंगे, और चलिए सिंचाई भी मचान का करेंगे, सारा कुछ दिखाते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो मेरे भाई लोग पहले ही जा चुके हैं वहां पे, मैं भी चलता हूँ उधर। ये देखिए, अपने दीप भाई भी इधर खड़े हुए हैं। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब मस्त हैं। तो गाइस, ये देखो कितना बड़ा केले का घर है, अभी ये कच्चा है, बाद में पकेगा, फिर से वही खुशबू। तो गाइस, ये देखो भाई ने पहले ही अपना पाइप वगैरह लगा दिया है। चलिए मचान दिखाते हैं आपको पहले, फिर उसकी सिंचाई करेंगे। मशीन के अंदर तेल वगैरह डाल दिया गया है, और ये इसमें पानी भी भर दिया गया है। ये पूरी तरह से चलने के लिए तैयार है, देखो इसके अंदर पानी भर दिया गया है, और ये पाइप गया है सीधा मचान में। ये देखो आकाश भी आ गया है, यहाँ से गया है पाइप उधर मचान में, इधर भाई लगा रहा है सब कुछ। ये पाइप की फिटिंग हो रही है। तो गाइस, इस लौकी का हाइट देखिए, ये मेरे हाइट से भी ऊंचा होकर के ये मचान पे चढ़ गया, देखिए। तो ये देखिए गाइस, ये लौकी का फूल है, लेकिन इस पे एक खतरनाक कीड़ा बैठा हुआ है, ये पूरे लौकी को ख़राब कर देगा ये वाला कीड़ा, ये इसी से डर रहता है लौकी को। देखो इस फूल पे दो दो कीड़े ने अटैक कर रखा है, एक तो उड़ गया, एक ये भाग रहा है, ये निकल। तो गाइस, मशीन चालू हो गया, देखिए पानी आ रहा है, अभी गिरेगा ये। ये देखो पानी मचान में जा रहा है। ये है अपना हजारा गेंदा, लेकिन ये हजारा गेंदा नहीं निकला, कोई दूसरा गेंदा है, क्योंकि हजारा गेंदा काफ़ी बड़ा होता है, और ये इतना बड़ा इसका फूल नहीं है। देखिए इसमें इतने बड़े बड़े फूल अभी आ रहे हैं, अब पता नहीं बाद में इसमें ये और बड़ा होगा कि इतना ही रहेगा। ये बेचारा लौकी ऊपर चढ़ नहीं पाया, नीचे ही गिर गया है, और एक दिन कोई जानवर आ करके इसका शिकार कर गया, इसको खा लिया यहाँ से, जो मैन वाला इसका डोंग था ना, इसको खा लिया। करेले में फूल आ गए हैं, लेकिन अभी ये ऊपर चढ़ नहीं पाया, अभी कुछ इतना आया है, और अभी इतना बाकी है, मेरे हाइट के बराबर आ गया है लगभग ये। और ये देखिए, ये करेले का फूल, इस वाले पेड़ में एक छोटा सा करेला भी लगा हुआ है, ये देखिए। देखिए इस फूल के कली को कितने बुरे तरीके से ये कीड़ा खा रहा है, देखिए इसको गिरा रहा हूँ मैं नीचे, गिर छोड़ नहीं रहा है गाइस, देखो ऐसा पकड़े हुए कि इसको छोड़ ही नहीं रहा है, फूल को, फूल के अंदर घुस रहा है। मैं भी इसको निकाल के ही जाऊंगा, कैसे नहीं निकलेगा, तू निकल नहीं रहा है, इसके अंदर भाग रहा है ये, निकल निकल निकल, गाइस काट रहा है। देखिए गाइस, इसको मैंने जस्ट निकाला है, देखिए कितना ख़तरनाक है ये कीड़ा, ये जिस फूल को चाहे बड़े ही आसानी से कच्चा चबा जाएगा। ये देखो इतने बड़े बड़े आम भी हो गए हैं अपने पेड़ पे, यहाँ पे और लगा हुआ है ये, देखो इस वाले पेड़ में इतना बड़ा लौकी हो गया ये, और भी बहुत सारे ऐसे लौकी लगे हैं कई सारे पेड़ों में। तो गाइस, सभी पौधों को अब पानी मिल गया है, खूब दबा के भर भर के, अब नेक्स्ट ब्लॉग में जब दिखाएंगे तो ये सारे पौधे लगभग लगभग मचान पे चढ़ जाएंगे। ये देखिए मचान में पूरा पानी पानी भर दिया है हम लोगों ने, ये देखो आम एकदम से ज़मीन पर लगा हुआ है, यहाँ पर ज़मीन है ये, और ये आम ज़मीन से एक बित्ते ऊपर। लीची भी दिखा देते हैं आप लोगों को कि अभी को कितना बड़ा हो गया है, इस वाले पेड़ पर अभी इतने इतने हुए हैं, और वो जो सामने वाला पेड़ है दूसरा वाला, इस पे थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। आइए इसको भी दिखाते हैं, उस वाले लीची के कंपेयर में ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये पहले पकता है और वो वाला लीची बाद में थोड़ा पकता है। तो इस ब्लॉग में अपने खेत में से कुछ खाया नहीं है मैंने, तो चलिए एक चीज़ मुझे दिखा, इसको अपना निवाला बनाते हैं।
ये देखिए यहाँ पर एक पका हुआ टमाटर लगा हुआ है, इसको हम खाएंगे धुल के। तो इसको मैंने धुल लिया है, अब इसको भुजड़ी बना जाए। काफ़ी टेस्टी है। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया तो भाई इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस मचान का हमने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, तो अगर आगे पीछे का मतलब कैसे हमने मचान बनाया था, कैसे पौधे लाए थे, कैसे लगाए थे, किस टाइम कितना बड़ा हुआ, इन सभी चीज़ों को अगर आप देखना चाहते हैं तो मचान वाला प्लेलिस्ट आप देखिए, उसमें सारे वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो दोस्त आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं देने वाला हूँ इधर बना बना करके। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।